नया पिन जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम कार्ड को स्वाइप करेंगे, उसके बाद हम पिन जनरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद 11 अंकों का अपना अकाउंट नंबर डाल के कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म का बटन दबाएंगे। अब ये लिखा हुआ है कि आपका जो 4 डिजिट का पिन है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, इस पर्ची पे भी ये बात लिखी हुई है। उसके बाद हम दोबारा से अपना कार्ड को स्वाइप करेंगे और बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। भाषा का चयन करने के बाद 10 से लेकर 99 के बीच का कोई भी नंबर डाल के कन्फर्म का बटन दबाएंगे। उसके बाद वो पिन डालेंगे जो हमें मोबाइल पे प्राप्त हुआ है। उसके बाद पिन चेंज के ऊपर क्लिक करके हम अपना नया पिन जनरेट कर लेंगे अपनी मर्जी का कोई भी। उसके बाद इसको हम रिकन्फर्म करेंगे। उसके बाद ये हमारा पिन चेंज हो गया है। इस पर्ची के ऊपर भी डिटेल लिखी हुई हमें मिल जाएगी। पिन हैज़ बीन चेंज्ड।